अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुश आमदीद स्टूडेंट। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा अकाउंटिंग फॉर इंस्टॉलमेंट सेल्स का चैप्टर चल रहा था, और आज के लेक्चर के अंदर हम रिपोजिशन ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल, जनरल जनरल और एडजस्टिंग एंट्रीज के साथ साथ क्लोजिंग एंट्रीज के ऊपर बात करेंगे, जिसको समझाने के लिए हमने ईयर 2016 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 4 लिया है। और इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास दो ईयर के बैलेंसेस गिवन होंगे 2015 2016, तो उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट तरीके से हम लोग डिफरेंट ग्रॉस प्रॉफिट को कैसे फाइंड आउट कर रहे होते हैं वो भी सीखेंगे। और उसके अलावा डिफरेंट ग्रॉस प्रॉफिट के फॉर्मूले के अंदर हमारे पास क्या चेंजिंग आ सकती है ये भी हम देखेंगे। तो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ऑन June 30, 2015 मुनीब कंपनी प्रेजेंट द फॉलोइंग बैलेंसेस। कुछ बैलेंसेस बता रहे हैं कब के, 2015 जून 30 के, कि इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कितने 60,000, जो कि इन्होंने इतना कलेक्ट करना है, जिसमें डिफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट ऑन इंस्टॉलमेंट सेल्स कितना है 15,000 का, ये भी इन्होंने कलेक्ट करना है, रियलाइज करना है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड June 30, 2016 के अंदर क्या बैलेंसेस दे रहे हैं या क्या बातें बता रहे हैं। द कंपनी मेड सेल्स, कंपनी ने सेल्स किए 2016 में 2 लाख की, और जो चीजें आपने बेची हैं उसकी कॉस्ट कितनी थी 1,20,000, ठीक है ना। इसका अगर मैं डिफरेंस लूँ तो अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट कितना बनेगा, 80,000 का बनेगा। अच्छा, फिर क्या हुआ, कह रहे हैं द फॉलोइंग अमाउंट्स वर कलेक्टेड ऑन इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल ड्यूरिंग द ईयर एंडेड जून 30, ठीक है ना। तो कुछ अमाउंट्स जो हैं वो ईयर एंड 30, 2016 को कलेक्ट की गई हैं इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल की, तो उस हवाले से क्या बैलेंसेस दे रहे हैं और आगे हमारे पास क्या केस मौजूद है। कह रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड अमाउंट कलेक्टेड ऑन June 30, 2015, ठीक है ना। 2015 के अंदर जो हमने सेल वगैरह की थी और जो हमें कलेक्शन करनी थी, उसमें से 50,000 जो है वो हमने कलेक्शन कर ली है, एंड जून 30 की 2016 के ईयर की हमने 1 लाख रुपीज की कलेक्शन कर ली है। आगे कह रहे हैं इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल ओरिजिनेटिंग इन द ईयर एंडेड June 30, 2015 विद द बैलेंस टोटलिंग ₹6,000 वर डिटरमाइंड टू बी अनकलेक्टेबल एंड द मर्चेंडाइज रिपोसेस वाज वैल्यूड एट ₹3,250, ठीक है ना। तो ये वाला जो केस है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रिपोजिशन है। क्या कह रहा है कि भाई इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल जो कि आपको ईयर 2015 जून 30 का रिसीव करना था, अब वो कितना रिसीव करना था, वो 6,000 का रिसीव करना था, वो रह गया था, ठीक है ना। तो वो पता चला कि वो अब अनकलेक्टिबल है, क्यों, क्योंकि जो आप कस्टमर है वो पेमेंट करने में या इंस्टॉलमेंट के पैसे भरने में डिफॉल्ट कर गया। तो आपने क्या किया, वो मर्चेंडाइज रिपोसेस कर ली, वापस ले ली, और उसकी जो मार्केट वैल्यू थी उस मर्चेंडाइज की वो कितनी है, 3,250 की। तो अब हमें यहाँ ये देखना होगा कि इस पर हमें गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, इसकी भी हमें कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी। रिक्वायर्ड में कह रहा है कि गिव एंट्रीज इन जर्नल जर्नल टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग एडजस्टिंग क्लोजिंग एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड June 30, 2016, ठीक है ना। जनरल जर्नल के अंदर एंट्रीज बनाएंगे, कुछ बेसिक कंप्यूटेशन होंगी, फिर एडजस्टमेंट करेंगे, फिर क्लोजिंग करेंगे। आई होप के क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से पूरा समझ में आ चुका होगा। अगर क्वेश्चन में कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे 2016 का, क्योंकि 15 का गिवन था 15,000, ठीक है जी। अच्छा जी, अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इंस्टॉलमेंट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स। तो 2016 के अंदर हमने 2 लाख का माल बेचा, जो कि कितने का था, 1,20,000 का। हमने डिफरेंस निकाला तो 80,000 का डिफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट या अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट कह लें ये बनता है, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कलेक्शन करने पे रियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो इसका रेट भी निकालना पड़ेगा। तो कंप्यूटेशन फॉर अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट रेट, ये हमारी सेकंड कंप्यूटेशन होगी। अब यहाँ पर एक फर्क देख लें अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट रेट के अंदर, कि अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट 2015 का जो है उसमें अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट तो 15,000 मौजूद था, लेकिन हम फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट रेट का, कि अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय
इंस्टॉलमेंट सेल्स, लेकिन हमें 2015 की इंस्टॉलमेंट सेल्स गिवन नहीं थी, तो उसकी जगह हम ऑल्टरनेट क्या यूज कर रहे होते हैं, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग को, ठीक है जी, जो उसका बिगिनिंग बैलेंस होगा इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल, जितनी हमने कलेक्शन करनी है, हो सकता है कि इतने का ही आपने माल बेचा हो, ठीक है ना, तो उसको फिर मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 से, तो 15,000 आपका अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट गिवन था, 60,000 का इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल बिगिनिंग मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 2015 का रेट 25% आ जाएगा। अब 2016 का निकालेंगे तो अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट तो आपने अभी फाइंड आउट किया इंस्टॉलमेंट सेल्स गिवन थी, तो इसका वही फॉर्मूला लगेगा, अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इंस्टॉलमेंट सेल्स और मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 से, तो 80,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, 40% 2016 का रेट भी आ गया। उसके बाद हमारी थर्ड कंप्यूटेशन क्या होगी, कलेक्शन की, यानी कि रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे तो कलेक्शन का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि क्या है, कलेक्शन मल्टीप्लाई बाय अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट रेट, ठीक है, तो उसने बताया था कि 2015 का जो आपने अमाउंट कलेक्ट किया वो 50,000 था, रेट 25,000 से अप्लाई किया, तो रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट 12,500 आ गया। रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट 2016 का निकालने तो कलेक्शन आपकी 1 लाख की थी और 40% रेट निकाला, तो 40,000 आपका रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, टोटल किया तो आपके पास टोटल रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट जो आ गया वो कितने का आ गया, 52,500 का आ गया। तो ये हमारी बेसिक कंप्यूटेशन थी जो कि हमने करनी थी, और अब इनको हम एंट्रीज के अंदर पुट करेंगे। अब उससे भी पहले हम आखिरी एक कंप्यूटेशन को देख लेते हैं, जो कि कौन सी है, कंप्यूटेशन फॉर गेन और लॉस ऑन रिपोजेशन, क्योंकि उसने बताया था कि कस्टमर से एक इंस्टॉलमेंट रिसीव करनी थी 6,000 की, जो कि हम अनडिटरमाइन हुआ कि अब अनकलेक्टिबल है, रिसीव नहीं कर पाएंगे, यानी कि कैंसिल कर दी गई क्योंकि डिफॉल्ट हो गया, तो वो 6,000 यहाँ रखा, तो अब उसमें कितना अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट था, क्योंकि 2015 का था तो रेट 25% होगा, लेस करवाना पड़ेगा, तो 6,000 का 25% निकालेंगे तो अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट फॉरगॉन, जो कि हमें रिसीव करना था वो भी क्या 1,500 का माइनस करवाया, तो हमारे एसेट की बुक वैल्यू कितनी आ गई, 4,500। तो उसने ये भी बताया था कि जो मार्केट वैल्यू थी हमारी मर्चेंडाइज की, जो हमने रिपर्चेस की है, वो 3,250 है, तो बुक वैल्यू हमारी ज्यादा है और मार्केट वैल्यू हमारी कम है, तो जब मार्केट वैल्यू कम होती है तो हमें होता है लॉस, तो 1,250 रुपये का हमें अपनी मर्चेंडाइज रिपर्चेस करने में हो चुका है लॉस, ठीक है जी। तो यहाँ तक कि आपको बात अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी, अब चलते हैं एंट्रीज की तरफ, जनरल जनरल सिंपली एंट्रीज बनाएंगे, मुनीब कंपनी सीरियल नंबर पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट का कॉलम आपको बनाना आता है, तो 2016 के अंदर जो आपने सेल्स की, सबसे पहले आप उसकी एंट्री बनाएंगे, क्योंकि उसने बोला था कि 2016 की एंट्री बनानी है, तो इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट इंस्टॉलमेंट सेल्स क्रेडिट 2 लाख रुपीज से टू रिकॉर्ड फॉर मर्चेंडाइज ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, ठीक है जी, तो उसकी कॉस्ट की भी एंट्री हम बनाएंगे, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स डेबिट मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट अंडर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम टू रिकॉर्ड कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स ऑफ रुपीज 1,20,000, ठीक है जी। उसके बाद हमने जो कैश कलेक्शन की थी, तो कैश जो हो गया वो डेबिट हो गया, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल 2015 का 50,000 से क्रेडिट और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल 2016 का 1 लाख से क्रेडिट, टोटल कैश कलेक्शन आपकी कितनी हो गई, 1,50,000 रुपए की हो गई। उसके बाद चौथी एंट्री जो हमारे पास बनेगी वो मर्चेंडाइज रिपर्चेस की बनेगी, हमारी मर्चेंडाइज कितने की वापस आई, 3,250 रुपए की मार्केट वैल्यू पे, अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट की नेचर क्रेडिट होती है, लेकिन अब वो कैंसिल हो गया, फॉरगॉन हो गया, तो अब डेबिट पर चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 1,500 का, और लॉस की नेचर डेबिट होती है, एक्सपेंस है, वो डेबिट होकर चला गया, वो डेबिट साइड पर चला गया, टोटल किया इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल 6,000 के इक्वल आ गया, तो ये हमारी एंट्री बन गई टू रिकॉर्ड द रिपोजिशन ऑफ मर्चेंडाइज ऑन लॉस। तो ये हमारे पास बेसिक जनरल एंट्रीज थी, अब चलते हैं हम आगे एडजस्टिंग एंट्रीज की तरफ, और उसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी एंट्रीज होंगी वो देख लेते हैं, दो ही मेन एंट्रीज हैं, ज्यादा नहीं है, मुनीब कंपनी एडजस्टिंग एंट्रीज पर्टिकुलर्स डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है जी। एडजस्टमेंट किसकी करेंगे, हम सबसे पहले अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट की करेंगे, इंस्टॉलमेंट सेल्स की नेचर क्रेडिट होती है उसको डेबिट कर देंगे, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल डेबिट होता है उसको क्रेडिट कर देंगे, डिफरेंस निकालेंगे, अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट डिफरेंट 2016 का कितना आ जाएगा,
80,000 आ जाएगा टू एडजस्ट द अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, ठीक है जी। उसके बाद हमने जो कलेक्शन की, कलेक्शन में हमें रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट हुआ उसकी एंट्री बनाएंगे। अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट की नेचर क्रेडिट होती है, जब कलेक्ट हो गया तो 2015 का डेबिट हो गया 12,500 से। इसी तरीके से 2016 का अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट भी डेबिट हो गया 40,000 से। तो दोनों का टोटल हमने पीछे भी किया था 52,500 से रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट हो जाएगा टू एडजस्ट द रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास लास्ट पार्ट रह गया क्लोजिंग एंट्रीज का, मुनीब कंपनी क्लोजिंग एंट्रीज पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट, ये पैटर्न आप अच्छे तरीके से जानते हैं, पीआर वगैरह। तो क्लोजिंग में सबसे पहले हमारे पास जो लॉस था रिपोजिशन का, उसको हम क्लोज करेंगे, वो डेबिट था। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी में क्लोज करेंगे तो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू लॉस की वजह से डेबिट हो जाएगा, और लॉस क्लोज करेंगे तो नेचर चेंज करके क्रेडिट साइड पर आ जाएगा 1,250 रुपए का टू क्लोज द लॉस ऑफ रिपोजिशन। उसके बाद रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट, ये क्रेडिट पे था प्रॉफिट है, इसको जब हम क्लोज करेंगे तो ये डेबिट साइड पर आ जाएगा। ये यहाँ से उठकर, ये जो क्रेडिट है यहाँ से उठकर ये कहाँ पर आ जाएगा, ये डेबिट साइड पर आ जाएगा, ठीक है जी। तो जब ये डेबिट साइड पर आ जाएगा तो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड पर चला जाएगा 52,500 रुपीज, ठीक है जी। तो फाइनली इसको जब हम क्लोज करेंगे रिटेन अर्निंग अकाउंट में, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी ये क्रेडिट हुआ 52,500 से, और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट हुआ है 1,250 का। तो इसको जब हम माइनस करवाएंगे तो नेट बैलेंस हमारा क्रेडिट का पॉजिटिव ही आएगा, तो रिटेन अर्निंग हमारा क्रेडिट हो जाएगा। उसके अंदर हम क्लोज कर देंगे टू क्लोज एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट इनटू रिटेन अर्निंग अकाउंट, और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्लोज होकर, क्योंकि प्रॉफिट में आया क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा थी 51,250 का, उसको हम कर देंगे डेबिट। सो आई होप कि आपको लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। कंप्यूटेशन और तीनों टाइप की जनरल एंट्रीज, एडजस्टिंग एंट्रीज और क्लोजिंग एंट्रीज भी इसमें समझ में आ गई होंगी। अगर इसके अंदर आपको किसी भी तरीके की कोई कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।